हाय गाइस, माय नेम इज़ गोविंद शर्मा और आज हम पढ़ेंगे डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। तो डिसीजन ट्री इज़ अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एंड इट इज़ यूज्ड टू सॉल्व बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। इट आल्सो प्रोवाइड वेरी गुड रिजल्ट एंड आर इजी टू रीड एंड एनालाइज। तो हम देखते हैं जो हमने पहले के नियरेस्ट नेवर एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो हम कर चुके हैं डेटा प्रीप्रोसेसिंग पार्ट, तो आपको दोबारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा के नियरेस्ट नेवर जो प्रीवियसली हम कर चुके हैं इस पर, तो हम यहाँ से उठा लेते हैं इसको, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड पेस्ट इट हियर। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं, रिमूव करते हैं और पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं और केवल आपको थोड़े से ही चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि इसको हम रिमूव कर देते हैं, फिटिंग KNN की जगह डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन CLAation टू द ट्रेनिंग सेट। ओके, और यहाँ से KNN हटा देते हैं। ठीक है, अभी हमारा डेटा सेट सेम ही है जिस पर हम काम कर रहे हैं और ये हमारा सेम रहेगा। अब आते हैं विजुलाइजेशन पार्ट पर, ये सब कुछ सेम है और यहाँ पर केवल हम टाइटल में नाम दे देंगे KNN की जगह डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री। और ऐसे ही हम यहाँ टेस्ट सेट में भी DECISION डिसीजन ट्री। ओके, ठीक है, एज यूजुअल अब हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लेते हैं। सेलेक्ट दी थ्री लाइन, कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट। नाउ यू कैन सी एन आईपाइथन कंसोल, इट्स एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम डेटा सेट को रीड करा लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट। एज यू कैन सी इन वेरिएबल एक्सप्लोरर ऑन कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड के नियरेस्ट नेवर में डेटा सेट के ऊपर बात कर चुके हैं, तो एक बार अब हम और देख लेते हैं कि एज इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो इन पाइथन, तो यहाँ पर यूज़र आईडी है, जेंडर है, एज है, एस्टिमेटेड सैलरी है और द लास्ट कॉलम इज परचेस्ड कॉलम। ठीक है, तो दिस डेटा सेट कंटेन्स यूजर्स ऑफ सोशल नेटवर्क्स एंड द सोशल नेटवर्क हैज़ सेवरल काइंड ऑफ विच यू कैन पुट देयर एड्स ऑन द सोशल नेटवर्क्स एंड वन ऑफ द क्लाइंट्स इज द कार कंपनी हु हैज़ जस्ट लॉन्च देयर ब्रैंड न्यू SUV कार एंड वी हैव टू सी विच ऑफ दिस यूजर आर गोइंग टू बाय ब्रैंड न्यू SUV कार। तो यहाँ पर आप ये लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं, तो जीरो मींस नॉट परचेस्ड एंड वन मींस परचेज कॉलम। ठीक है, तो वी आर गोना बिल्ड अ मॉडल विद दीज टू वेरिएबल्स एज एंड सैलरी। ठीक है, ठीक, इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब हमको दो वेरिएबल चाहिए, एज एंड सैलरी। एज इंडेक्स स्टार्ट विद जीरो, तो यूज़र आईडी 0, 1, 2, 3, तो हमें 2 और 3 चाहिए कॉलम और 4 इज परचेस कॉलम। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ मैंने दिया है 2 और 3, 2 हो गया हमारा एज एंड 3 इज सैलरी और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज परचेस कॉलम, तो कॉलम इज 4। ठीक है, अब इसको रन करा लेते हैं। सेलेक्ट दिस लाइन, कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट।
एंड दिस वन कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ हम एक्स में देखें, ठीक है, ये सैलरी हो गई, ये हमारी सैलरी हो गई और ये हमारा एज। वाई में अगर हम देखें, ये हमारे परचेस कॉलम। ग्रेट, अब हम डेटा सेट स्प्लिट करेंगे ट्रेनिंग सेट में और टेस्ट सेट में। एज यूजुअल हमने यहाँ पर टेस्ट साइज दिया है 25%। हमारे 400 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसमें कि 300 हमें ट्रेनिंग सेट में चाहिए और 100 हमें टेस्ट सेट में चाहिए, तो इसलिए हमने टेस्ट सेट का साइज 25% दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लेते हैं, scikit-learn cross validation, control enter to execute, scikit-learn line 1 cross import set, model not found, no module name। हाँ, या समटाइम्स दिक्कत आ जाती है, कभी कभी क्रॉस वैलिडेशन नहीं लेता है, तो हम इसकी जगह scikit-learn डॉट, एक और हमारा होता है मॉडल सेलेक्शन, इसको हम लिख सकते हैं मॉडल सेलेक्शन scikit-learn। ओके गुड, नाउ अगेन कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट scikit-learn, स्पेलिंग मिस्टेक, कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट टेस्ट, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम एक्स ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में स्प्लिट करेंगे एज यूजुअल, और यहाँ रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 इसलिए लिया है बिकॉज वी वांट द सेम रिजल्ट। कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट, दैट्स ग्रेट, इट लुक्स गुड। अब हम फ्यूचर स्केलिंग करते हैं, इस पर हम पढ़ चुके हैं फ्यूचर स्केलिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप डिटेल में जा सकते हैं। कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट, ओके, फ्यूचर स्केलिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एज एंड सैलरी जो कि सेम स्केल में नहीं है, तो उसको सेम स्केल में लाने के लिए हम फ्यूचर स्केलिंग कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं हाउ टू फिट अ डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन टू द ट्रेनिंग सेट। ओके, उसके लिए हम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं पहले फ्रॉम एज यूजुअल scikit-learn डॉट ट्री, इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर decision ट्री clasifier। ओके, अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, डिसीजन क्लास दिस एज यूजुअल क्लासीफायर clasifier इक्वल टू, यहाँ से हम क्लास को कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट इट हियर। अगर हम कमांड कंट्रोल आई दें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन और हम क्या पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जीनी इज़ अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, बट डिसीजन ट्री बेस्ड ऑन एंट्रोपी लाइक मैक्सिमम एंट्रोपी वी सी डेट इन NLP पार्ट। तो यहाँ हम एंट्रोपी यूज़ करेंगे, ठीक है, डिसीजन ट्री बेस्ड ऑन एंट्रोपी। यहाँ क्राइटेरिया हम देंगे क्राइटेरियन इक्वल टू एंट्रोपी ENTROPY CRITERION क्राइटेरियन एंट्रोपी PY। ओके, हम देखते हैं रैंडम स्टेट इक्वल टू 0 बिकॉज वी वांट अ सिंगल रिजल्ट। ओके,
अब हम ऑब्जेक्ट को फिट करेंगे एज यूजल क्लासिफायर डॉट फिट, इसमें हम देंगे एक्स टेस्ट एंड भाई ट्रेनिंग सेट को हम कर रहे हैं तो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ओके कोड इज रेडी, हम रन करा लेते हैं कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट। इसका बाय डिफॉल्ट पैरामीटर अब हमारा मॉडल फिट हो गया है ट्रेनिंग सेट के लिए। अब हम टेस्ट सेट के लिए प्रिडिक्ट करेंगे वाई प्रेड क्लासिफायर डॉट प्रिडिक्ट एंड एक्स टेस्ट, ये हमने इसमें दे दिया, इसको रन कराते हैं कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट एक्स प्रेड। अब आप वेरिएबल एक्सप्लोर में आप देख सकते हैं अगर हम कंपेयर कराएं वाई प्लेट को वाई टेस्ट से, वाई टेस्ट हमारा एक्चुअल है, देखते हमारी प्रिडिक्शन कितनी सही है। ओके इट लुक्स वेरी गुड, सो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 to 10 हमारा प्रिडिक्शन सही है। और हम नीचे जाते हैं 13 से लेकर अगर आप 18 तक देखो 18 21 21 करेक्ट प्रिडिक्शंस, 18 करेक्ट प्रिडिक्शंस बस दिस 13 टू 16 आर इनकरेक्ट प्रिडिक्शन, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, तो सम प्रिडिक्शंस इज इनकरेक्ट बट इट लुक्स गुड। अब हम देखते हैं यहाँ पर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है हमारी कितनी प्रिडिक्शंस करेक्ट हैं और कितनी इनकरेक्ट हैं, तो इसके लिए हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं जो कि हमें बता देगा हाउ मनी आर करेक्ट प्रिडिक्शन एंड हाउ मनी आर इनकरेक्ट। पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट एज यूजल रहेगा अब कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट, अब हम यहाँ टाइप करते हैं सीएम एंड एंटर, दिस लुक्स वेरी गुड, तो देर आर 9 इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस एंड 91 इज करेक्ट प्रिडिक्शंस। यहाँ पर मैंने एक्यूरेसी स्कोर दिया है, एक्यूरेसी देख लेते हैं हमारी कितनी एक्यूरेसी है, हमारी 91 हम जानते हैं कि हमारी एक्यूरेसी 91% ही है आउट ऑफ 100 में से, बस 91 करेक्ट प्रिडिक्शंस, लेकिन अगर हमें देखना हो एक्यूरेसी तो हम देख सकते हैं, ओके 91% एक्यूरेसी इज वेरी गुड। 62 plus 29 91 out of 100, this is 91% accuracy of this gantry model, this is very good compared to logistic regression, ठीक है। अब हम आते हैं विजुलाइजेशन पार्ट पर, यहाँ पर 0.01 रिजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं हम, क्या यहाँ हमने मैच ग्रिड दे दिया है, यहाँ इसको हम पूरा रन करा लेते हैं कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ग्रीन वन इज परचेस कॉलम एंड वन इज एंड जीरो इज नॉट परचेस, दिस इज द प्रिडिक्शन 0 एंड 1,
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कितनी हमारी इनकरेक्ट और कितनी करेक्ट प्रिडिक्शंस हैं। तो ये हमारा डिसीजन ट्री का प्लॉट है, चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम टेस्ट सेट में देखते हैं जो हमारी प्रिडिक्शंस हैं वो कितनी सही हैं, यानी कि 9 इनकरेक्ट प्रिडिक्शंस हैं वो हम इस यहाँ से देख सकते हैं, कंट्रोल एंटर एग्जीक्यूट। तो 0 मीन्स नॉट परचेस एंड 1 मीन्स परचेस, 1 मीन्स ग्रीन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रेड पॉइंट हैं वो ग्रीन रीजन की तरफ चले गए हैं, जो ग्रीन पॉइंट हैं वो रेड रीजन की तरफ चले गए हैं। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर है 9। ठीक है, इसको अगर आप और एक्सपेंड करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मॉडल बहुत अच्छा बना है, यानी 90% एक्यूरेसी है मॉडल की। आपको मॉडल की एक्यूरेसी चेक करनी है तो एक्यूरेसी स्कोर दे सकते हैं, और कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आपका कितने परसेंट एक्यूरेट है और कितना इनएक्यूरेट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू गाइस।